केयरिंग पीपल शेयरिंग पीपल एंड द डेयरिंग पीपल हिंदुस्तान का एक समुदाय है जिसको सारी दुनिया ने सम्मानित किया है रिस्पेक्ट दिया है उसको खास तौर पे ड्यूरिंग द पेंडेमिक पीरियड लॉकडाउन के टाइम जब परेशानी हुई इस समुदाय को सारी दुनिया ने बहुत इज्जत और मान दिया है और वो है हमारा सिख कम्युनिटी ऑफ इंडिया रिस्पेक्ट मिली उनको फॉर व्हाट ह्यूमैनिटेरियन सर्विस इंसानियत की सेवा करने के लिए क्यों साहब देखिए सिखी टिकी हुई है तीन सिद्धांतों पे मैं तो तीन सिद्धांत जो है आगे बात करूंगा लेकिन दे केयरिंग पीपल शेयरिंग पीपल एंड द डेयरिंग पीपल केयरिंग पीपल का मतलब क्या है परवाह करते हैं दे केयरिंग वो आपके साथ दुख सुख में खड़े रहते हैं द शेयरिंग पीपल दे शेयर कॉन्सेप्ट ऑफ लंगर एंड द डेयरिंग पीपल दे डेयर सब वो सच्चाई इंसानियत के लिए लड़ने को तैयार है लड़ने को मरने के लिए भी तैयार है मारने को लिए भी तैयार है मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि शेयरिंग की क्या बात है शायद कनाडा की कहीं की बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कनाडा में एक आदमी को चोरी करते पकड़ा गया जिसने कुछ ब्रेड वगैरह चोरी की थी कोर्ट में ले आए उसको तो जज ने पूछा कि भैया तुमने चोरी की बोले हां साहब की बोले चोरी क्यों की बोले साहब बच्चे भूखे थे साहब तो जज कहता है कि भाई तुम सच्चे आदमी हो चोरी की है पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए आपको तुम्हारे को दस डॉलर फाइन करता हूं लेकिन उसके पास दस डॉलर थोड़ी था तो जज ने अपने पॉकेट से दस डॉलर निकाला और उसको पकड़ा दिया और बाकी सबसे बोला कि देखो कितने हमको शर्मिंदा की बात है कि इंसान को रोटी के लिए चोरी करनी पड़ रही है खैर उसका काम खत्म हुआ तो जज ने इस आदमी को बोला कि भैया एक काम करो आइंदा के टाइम आने वाले टाइम के लिए कभी आपको भूख लगे और पैसे ना हो तो चोरी मत करना आसपास खोजना कोई गुरुद्वारा होगा वहां जाके लंगर मिल जाएगा आपको मुफ्त में लेकिन चोरी मत करना देखिए कहां कहां दुनिया तक इस सिख समुदाय का संदेश कहां तक पहुंचा हुआ है डोंट स्टील गुरुद्वारे जाके लंगर खा के चले आना साहब देखिए सिखी तीन सिद्धांतों पर टिकी हुई है नम जप वंशक किरत कर नम जप मतलब परमात्मा का नाम लेना है एक परमात्मा है निरंकारी है वंशक का मतलब है बांट के खाना कॉन्सेप्ट ऑफ लंगर आज का नहीं पांच पुरा, सौ साल पुराना है और किरत कर किरत कर का मतलब क्या होता है मेहनत करके काम किया हुआ कोई काम छोटा नहीं होता कोई काम छोटा नहीं होता ईमानदारी से मेहनत से किया हुआ काम कोई छोटा नहीं होता देखिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज तक जिंदगी में आपने कभी किसी सरदार को भीख मांगते देखा है नेवर क्योंकि है ही नहीं कोई सरदार भीख कभी नहीं मांगेगा यह अहंकार नहीं है यह नम्रता है आपका जूता साफ कर देंगे बाथरूम साफ कर देंगे नाली साफ कर देंगे भीख नहीं मांगेंगे आप देखिए जो सरदार है अपाहिज भी होगा हाथ कटे होंगे पांव कटे होंगे भीख नहीं मांगेगा कोई ना कोई काम कर रहा होगा और देखिए आप एक और चीज सिखों में जात नहीं होती हर सिख आदमी का लास्ट नेम क्या है सिंह और हर सिख औरत का नाम क्या है कौर और कोई जाति नहीं होती मैं तो यही कहता हूं कि अगर हमने सिखी के सिद्धांत को अपनाया होता इस देश में बजाय अपने संविधान के अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के ये देश आज विश्व गुरु बना होता याद रखिए मातृभूमि की अहमियत जन्मभूमि से कहीं ज्यादा है मैं हिंदुस्तानी पहले हूं झारखंडी बाद में हूं